Thank you, students. All right, let's start the class. I'm sorry for this trouble. I didn't know the reason why it was being making such a mess. Can you hear me now? All right, let's start the class because we are already being so late. Please turn on your camera so that I can see you guys. Tayyaba? Mama Huzaifa, can you hear me now? So you have to turn on your, do not let yourself mute. Say chaliye ab hum aaj start karein class. There is a word B. Say I want to start with it. Then we will see more. अब मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो जरा कोई बोले। आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है? तो कह रहे आवाज नहीं आ रही, देखो तुम ज्वाइन करो। आ रही है? हाँ सिद्रा, आवाज आ रही है, जरा तुम भी मुझसे बात करती रहो ताकि मैं स्टार्ट कर दूं मेरी क्लास प्रॉपरली। एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे बस हम, ताकि मैं एक तुमसे बात करता रहूं ताकि क्लास जारी रहे, और फिर मैं इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर कर लूंगा आपके साथ। चलिए अच्छा, तो तैयबा अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो जरा कुछ बोलो। अपना सिद्रा सब अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ मोहम्मद हुजैफा, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी ना? हुजैफा हेलो, हेलो आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सही है। चलिए अच्छा, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। एक वर्ड है बी, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सही, इस वर्ड के मल्टीपल यूजेज हैं। सही, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वर्ड के ये रूट वर्ड है और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। सही, और पास्ट फॉर्म है वाज एंड वर, एंड जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बीन। सही है तैयबा? तैयबा प्लीज बात करते रहे मुझसे आप। सही, तो ये बा
आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। सही है सही है। तो बात ताकि मुझे वो रहे कि हाँ भाई मैं, तो आज जो लेक्चर है हम एक वर्ड है बी, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। इस वर्ड के ये रूट वर्ड है और इससे ही फर्स्ट फॉर्म निकलती है इज एम आर, और पास्ट फॉर्म है इसकी वाज एंड वर, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग। सही। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये एक लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? वो ज्वाइन कर देता है सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से या नाउन फ्रेजेस से। सही। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूं, तो जब हम ये कहते हैं तैयार हो जाओ तो हम ये नहीं कहते रेडी आई एम कमिंग, हम बोलते हैं बी रेडी आई एम कमिंग। तो ये हम इसलिए बोलते हैं बी रेडी आई एम कमिंग क्योंकि हम विदाउट बी वी कैन नॉट यूज एनी एडजेक्टिव। सो इफ एन एडजेक्टिव हैज टू फंक्शन इन अ सेंटेंस, सो इट हैज टू बी यूज्ड अलोंग विद सम लिंकिंग वर्ब। Without any linking verb, you cannot use. You cannot use what? You cannot use any adjective. So it is important that we should linking verb along with any adjective. So this is the first point that I have to make here. Okay, and bear it because. When we go ahead, we do not have any English. I'm making it. Okay. तैयबा कह रही है सही आवाज नहीं आ रही। सही आवाज नहीं आ रही तैयबा? अभी भी नहीं आ रही? सर अभी आ रही है लेकिन कोई बीच में ना बहुत शोर हो रहा है किसी के यहाँ से। ओ अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से सब बच्चे तो म्यूट करें सब। एनी अच्छा चलिए, अब एक पॉइंट नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इज एम आर की। सही। इज एम आर जो है वो बहुत ही की एक यानी पॉइंट है जो के यानी आपको यानी समझना पड़ेगा। और अब मैं आपको कुछ आप लोगों के साथ अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम्हारा नाम लेट्स सपोज तो ये कटिंग कर मैं तेरी पैकिंग कर दे या तो पीस दे अगर मैं ये दे पीस कटिंग कर पैकिंग कर मैंने आपके साथ एक आधा पीस सर कहीं और से आवाजें आ रही हैं, आपकी आवाज कट रही है बार बार। और से आवाज आ रही है क्योंकि ऑडियो तो बहुत आवाज कट रही है। जब मैंने एक शेयर की आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रही है बुलेट्स की डॉक्यूमेंट। हाँ तो ये बात तो अब देखो तुम एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखें आप हम किस तरीके से आए ये देखिए आप हम आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस बी है। सही। बी इसकी रूट फॉर्म है और ये आप देखें
I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. सही? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा नाम तैयबा है तो क्या होगा? My name is तैयबा. और अगर मैं कहूँ कि मैं तैयबा हूँ तो क्या बोलेंगी आप? I am तैयबा. Very good. सही है. अच्छा, अब अपने इसी से इन्फिनिक्स हॉट नाइट्स से डिस्टरबेंस आ रही है. तो मैं अगर ये कहूं कि मेरा ताल्लुक कराची से है, डिस्टरबेंस कर रहे सर. तो क्या होगा? I belong from Karachi. सही है, I belong from Karachi. हम ये भी कह सकते हैं I am from Karachi. सही. लेकिन सर अगर आप हम स्टूडेंट्स को म्यूट कर दें तो ठीक रहेगा. आई एम फ्रॉम कराची. सही. इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आपकी नेशनैलिटी क्या है तो हम बोलेंगे, ये देखिए जुमला लिखा हुआ है, व्हाट नेशनैलिटी आर यू. सही. तो हम बोलेंगे आई एम अमेरिकन, आई एम पाकिस्तानी, एंड यू. सही. यस सर. सही. चलिए. अच्छा अच्छा, अब मैं सबसे कुछ जुमले पूछ रहा हूँ. सही है तैयबा, सबसे पहले तुम बताओ एक सेंटेंस कि मैं अदब में दिलचस्पी रखती हूँ. इंटरेस्ट कहते हैं दिलचस्पी रखना, तो क्या होगा? आई एम इंटरेस्टिंग. Interested. Interested इस्तेमाल करो. I am interested. Interested in literature. In literature. Yes. Very good. सही. चलिए सुहेब, आप सुन सकते हैं? सुहेब. Yes sir. हाँ सुहेब, जरा तुम एक जुमला बनाओ. मुझे कुत्तों से डर लगता है. Sorry sir. मुझे कुत्तों से डर लगता है. कुत्तों से डर लगता है. Afraid कहते हैं डरना. I am afraid of dogs. Very good. Zabardast. Zabardast. Sahi hai. I am afraid of dogs. Aisha, aap banayenge ek sentence? Ji sir, bataye. Ha, Aisha, aap banaye ek sentence ke kya tumhari walida ghar par hai? Nahi, wo bahar hai. इसका बनाओ सर. इस जुमले का बनाओ. क्या तुम्हारी वालदा घर पर है? नहीं, वो बाहर है. सर, माय फादर. क्या तुम्हारी वालदा घर पर है? सबसे पहले ये बनाओ. नहीं, वो घर बाहर. अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है. क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है इंट्रोगेटिव. यस सर, फर्स्ट मार्क लगेगा इंट्रोगेटिव करने से. तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इज योर मॉम एट होम? इज योर मॉम एट होम? At home. नहीं, वो बाहर है. तो क्या होगा? बाहर है. हाँ. क्या बोलेंगे हम? No, she is. No, she is. Out. Out. हाँ. No, she is out. सही है? Yes sir. ये बात समझ में आ रही है आपकी? ये मुश्किल है ये बात. सर आवाज आ रही है सर. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर. अच्छा सही है. चलो अच्छा, अब एक एक सेंटेंस मैं देखता हूँ और कौन स्टूडेंट है हमारे साथ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ. अच्छा सिद्रा है. अच्छा आप लोग अपने टर्न ऑन कर लें, शानदार अपने टर्न ऑन कर लें. सिद्रा. यस सर. चलिए सुद्रा, आप एक सेंटेंस बनाएं. तुम्हारे जूते अच्छे हैं क्या? ये नए हैं? जी सर. तुम्हारे जूते अच्छे हैं क्या? ये नए हैं? इतनी मुश्किल है. नाइस कहते हैं अच्छे. नाइस कहते हैं अच्छे. क्या होगा सर? हाँ, किसकी बना ली है?
जुमले को बनाओ, तुम्हारे जूते अच्छे। किसके? Your shoe is very nice. Your shoes is very nice होगा? Nice. Your shoes are nice होगा? Nice ना। Okay sir. पहली बार इसको बोलते हैं। क्या होगा your shoes are? Nice. Very good. क्या ये नए हैं? आयशा तीन जान आप माइक ऑफ करें। शोएब शोएब आज आ रही है होटल के नया सेंटर है। शोएब आवाज आ रही है आपको? यस सर आवाज आ रही है। हां जी जी सिद्रा जी बोल रहे हैं आप। हेलो सर आवाज आ रही है आपको? हां मुझे आ रही है आवाज आपकी। हां बोले सर मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो हमारी इसमें पार्टिसिपेंट्स में तीन जान नामी थे ये डिस्टरबेंस कर रहे पीछे से, आप इसको म्यूट कर दें। तीन जान के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप म्यूट करने से आपको सब कभी म्यूट कर ले, सब म्यूट कर ले। और तो जिससे मैं सवाल करूं बस वही अपना माइक खोले, सही है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, सही? हाँ चलिए अच्छा। तो मैंने वैसे पूछा तो था सिद्रा से, लेकिन सिद्रा आप जवाब नहीं दे रही है, तो शोएब तुम जरा बताओ मुझे। हाँ तुम्हारे जूते नए हैं क्या ये? सॉरी तुम्हारे जूते अच्छे हैं क्या ये नए हैं? क्या होगा? Your shoes are nice. Are these new? Very good. Your shoes are nice. Are they new? Adnan Malik. अच्छा आप लोग अपने कैमरा क्यों नहीं खोल ले? सर क्लास अनएक्सपेक्टेड थी, हमें कुछ आइडिया नहीं था अभी तो थोड़ा। कैसे ओपन करती है? सही है सही है। चले अच्छा अमजद आप बनाएं। मुझे जी अमजद आप बनाए सेंटेंस। आज मौसम अच्छा है सर। टुडे वेदर इज नाइस। हाँ लेकिन देखिए टुडे जो है ना वो आखिर में आता है हमेशा, तो हम बोलेंगे द वेदर इज नाइस टुडे। टुडे वेरी गुड सही। जवेरी असलम। यस सर। चलिए अब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, आप ट्राई करें एक सेंटेंस। ओके आप बनाएं। बाथरूम खाली है ऐसे कहते हैं? बाथरूम इज एम्प्टी। नहीं एम्प्टी नहीं, वैकेंट कहेंगे हम। वैकेंट वैकेंट बाथरूम इज वैकेंट। वेरी गुड सब जस्ट वेरी गुड। बाथरूम इज वैकेंट वैकेंट। सो अब कौन हमारे साथ स्टूडेंट्स और हैं? आयशा आप सुन सकती हैं मुझे? चले आयशा तो फिर हाजिर। महमूद खान महमूद ये तुम लोग अपने कैमरा ऑन करो वरना मैं तुम लोगों को मार्क नहीं करूंगा प्रेजेंट। महमूद अमजद हाँ चलो अमजद तुम बनाओ एक सेंटेंस। सही है अमजद एक सेंटेंस ट्राई करो कि भूतों वाला घर खाली है। स्पोकी हाउस भूतों को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। स्पोकी हाउस भूतों वाला घर SPOKY स्पोकी हाउस और खाली है अनऑक्युपाइड। सर दोबारा बताना।
भूतों वाला घर खाली है. स्पोकी हाउस इज द एम्प्टी. स्पोकी हाउस इज अनऑक्युपाइड. ये कर लो अनऑक्युपाइड. हाँ सही. स्पोकी हाउस इज अनऑक्युपाइड. Is unoccupied. Very good. सर हम खाली को वैकेंट और अनऑक्युपाइड दोनों कहेंगे, जैसे मतलब सेम है दोनों का. देखें कुछ जगह पर जैसे अब वॉशरूम में उसके साथ वैकेंट आएगा. सही है. जब घरों की बात होती है तो उसके लिए हम अनऑक्युपाइड इस्तेमाल करेंगे या ऑक्युपाइड इस्तेमाल करेंगे अगर वहां कोई रहता है या कोई जगह पे बैठा हुआ है तो माई सीट इज ऑक्युपाइड. लेकिन जब आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को खाली करने की बात करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर ग्लास इज एम्प्टी. सही. यस ठीक. यहाँ तो समझ में आ सकती है बात. सही. लेकिन जब आप इस तरह की उस बात करते हैं ना ये सेंस मुख्तलिफ है इनके. सही ठीक है सर. अच्छा चलिए अब मैं किससे पूछूं. चलिए एक, एक एक मैं आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अच्छा। लिंक एक स्ट्रक्चर है वो समझाता हूँ. देखिए एक वर्ड है देयर. THEERE देयर. आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा. यस सर. तो देयर जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ समथिंग. सही. जब हम किसी मौजूदगी के बारे में बात करें मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या मतलब होगा इसका कि मैं खुदा की मौजूदगी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जर्रे जर्रे में खुदा. सही. तो मैं बोलूंगा देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल. सही. क्या बोलूंगा मैं देयर इज एन गॉड. देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल. यस. सही. यस सर. सही. लेकिन दोबारा अनम्यूट भी कर दे. या मैं अगर ये कहूं कि गली कोने पर एक बेकरी है, तो भी मैं मिसाल के तौर पर मैं बोलूं there is a bakery at the corner of the street. There is a bakery at the corner of the street. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बेकरी की मौजूदगी के बारे में बात की. सही. ये भाई ये बात समझ में आई. जी जी सर आ गई. और तो अब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं. चले अगर मैं आपसे के बना ना बोलिए रामे में 15 मिनट का वक्फा है तो कैसे बनाएंगे आप इसे. देयर इज एन ब्रेक. क्या बनाएंगे सर. देयर इज एन इंटरवल. इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स. Or 15 minutes in drama. In a play, in a drama, very good. Zabardast. Sir, aapne beech mein kaun sa word use kiya tha? Kahan? Ye sentence mein. There is an interval. 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 Okay. Interval of 15 minutes in a play. Okay. Yes, sir. Sir, hum interval ki jagah break use kar sakte hain? हाँ ब्रेक कर सकते हैं तो मसला नहीं. सही. अच्छा चले अगर मैं ये कहूँ कि अखबार में एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर का इश्तिहार है कोई बनाएगा. सर इश्तिहार को क्या कहते हैं. एन एड ऑफ अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर. सर हाँ बनाओ. कौन बनाएगा. There is an ad of second hand computer in news in the newspaper. Very good. ये किसने बताया. अदनान मलिक ने. हाँ. Very good अदनान. There is an ad of a second hand computer in a in the newspaper. In the newspaper. Very good. अगर मैं कहूँ इस घर में 5 कमरे हैं. कौन कोई बनाएगा. Yes sir.
यस सर कौन बनाएगा इसे आप मेरे ख्याल से मुझे पूछू मैं जवेरिया बनाएंगी यस सर हाँ बनाओ जवेरिया देयर आर फाइव रूम्स इन अ हाउस वेरी गुड और होम इन दिस हाउस लेट्स गो सही वेरी गुड अच्छा चले एक और जुमला मैं दे रहा हूँ उसकी आंखों में जहानत की चमक है अ ग्लिंट ऑफ इंटेलिजेंस इन वन्स आईज कौन बनाएगा सर रिपीट करें हाँ रिपीट कर दें सेंटेंस उसकी आंखों में जहानत की चमक है a glint of there is blink of intelligence in her eyes a glint of intelligence in her eyes ha kaun bana raha hai kisne banaya there is a glimpse of intelligence in her eyes very good there is a glint of intelligence in her eyes very good very good so एक बॉक्स है तोपों से भरा हुआ क्या रिपीट करें एक बॉक्स है तोपों से भरा हुआ किससे एक बॉक्स है तोपों से भरा हुआ बॉक्स द बॉक्स इज फुल अ बॉक्स बॉक्स इज फुल विद गिफ्ट्स मेरे पास एक चेस्ट अ बॉक्स इज फिल्ड ऑफ इज अ बॉक्स There is a box of. There is a box filled with gifts. Filled of. हाँ, there is. अगर मैं आपको इसको कहाँ गए? हाँ, हम बोलेंगे there is a box crammed. आप लोगों ने सही बोला है. There is a box crammed with presents. There is a box crammed with presents. सही? कोई भी ट्राई करे इसको बनाए अगर हम ये कहें पूरे मुल्क में आटे का कहर पड़ा हुआ है देखो मैंने सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही सर ये सबके माइक पे आटे का कहर पड़ा हुआ है ये मैंने देखो चैट में लिखा है सर आप बाकी सबको म्यूट करें फिर जुमला बोलें अरे भाई हो जाओ भाई सब खुद ही म्यूट हो जाओ म्यूट कर लो खुद को सर जो बोल रहे हैं उन्हें शायद पता ही नहीं है कि उनका माइक खुला हुआ है अच्छा चले स्कार्सिटी ऑफ फ्लोर इन ऑल ओवर द कंट्री अब बनाओ इसको पूरे मुल्क में आटे का कहत पड़ा हुआ है हाँ रिपीट करें टीएन जान बनाओ पूरे मुल्क में आटे का कहत पड़ा हुआ है सर कहत की क्या इंग्लिश होगी हाँ कहत की इंग्लिश पूरे मुल्क में आटे का कहत पड़ा हुआ है सर मैं बनाऊं हाँ बनाओ There is shortage of floor in all over the country. There is very good. There is a scarcity of floor all over the country. Of floor in all over the country. Very good. There is scarcity of floor all over the country. Very good. अच्छा अब कोई जुमला बनाए मैं बस निकलने ही वाला था on the verge इस्तेमाल करना on the verge get मैं आपको सर तो रिपीट करें मैं चैट में जाके लिख रहा हूँ देयर इज अ फेमाइन मैं निकलने ही वाला था क्या होगा आई वाज ऑन द वर्ज टू लीव वेरी गुड कब किसने बोला ये
शुएब हियर सर शुएब हां शुएब बोलो क्या I was on the verge to leave. मैं निकलने ही वाला था. I was on the verge of leaving. Very good. ये देखो मैंने चैट में लिखा भी है. On the verge of leaving. सही है? Sir, to leave the first form फिर सही लगाइए. नहीं नहीं. On the verge उसके बाद off आता है as a preposition. तो उसके जब off आएगा as a preposition तो उसके बाद verge की हमेशा हम fourth form इस्तेमाल करते हैं. सही? Sir, इसको I was about to leave भी तो कह सकते हैं. हाँ, about to leave ये सही है. I was about to leave, ये सही है. I was going to leave, ये भी सही है. लेकिन जब आप on the verge of का expression इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ word की fourth form इस्तेमाल करते हैं. I was on the verge of leaving, सही है? सही? चलो एक और जुमला है. Yes sir, thank you. दोनों मुमालिक जंग के दहाने पे थे. मैं चैट में लिख रहा हूँ. On the brink of war. On the brink of war. सर क्या होगा दोनों मुमालिक जंग के दहाने पर थे बोलो सर हाँ बोले कोई भी बोल दे बोथ द कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर सही क्या बोथ कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर बोथ कंट्रीज सही बोला है तुमने क्या बोला है बोथ कंट्रीज आ आएगा वर आएगा बोथ द कंट्रीज दोनों मुमालिक जंग के दहाने पर थे थी या है थे वर सॉरी सर वर 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 बोथ कंट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर वेरी गुड बोथ कंट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर सही है वॉर हाँ अब एक जुमला इस देखो वो लबालब भरा हुआ था यस सर थैंक यू वो लबालब भरा हुआ था सही है वो लबालब भरा हुआ था फुल टू ब्रिम कहते हैं भरा होना हाँ बनाओ हेलो हेलो तैयबा सिद्रा बनाओ वो लबालब भरा हुआ था फुल टू ब्रिम कहते हैं लबालब भरा होना हेलो जी फुल टू ब्रिम कहते हैं लबालब भरा होना सर अगेन स्पीक हाँ सर एक बार फिर से करें लबालब भरा हुआ था वो लबालब भरा हुआ था फुल टू ब्रिम ओके सर फुल टू ब्रिम मैं लिख रहा हूँ फुल टू ब्रिम ओके सर फुल टू ब्रिम तो क्या होगा तैयबा चलो एक और ट्राई करो सेंटेंस वो रोने ही वाला था ऑन द पॉइंट ऑफ क्राइंग मैं चैट में जाके लिख भी रहा हूँ ऑन द पॉइंट ऑफ क्राइंग He was on the point of crying. Very good, Javeria. Very yes, good. He was on the point of crying. Very good. सही है? Yes, sir. मेरे पास तो मीटिंग ये नई मीटिंग स्टार्ट हुई है? हाँ?
जी सर ये नई मीटिंग स्टार्ट हुई है पुरानी मीटिंग है नो सर पुरानी है सर सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे आप दोबारा आ गए अभी इन हो गए दोबारा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सही 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 चलिए अच्छा चले मेरे ख्याल से ये खत्म होने वाली है तो मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा सही है